इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था भाई, यूज ऑफ राइट एंगल्स, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। ठीक है, हाँ जी, अगर आता है भाई ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इस सूरत में उसको चेंज करने और चेंज करने जी को रेशियो, सेम यही अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये वाले हमने थ्री पार्ट्स कर दिए। क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। किसी भी ट्राई एंगल के अंदर टोटल थ्री एंगल्स होते हैं, उन थ्री एंगल्स को अगर सम किया जाए किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, चाहे वो राइट एंगल ट्राई एंगल है, एक्यूट ट्राई एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राई एंगल है, किसी तरह की भी ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल की टाइप कोई भी है, उसके अंदर हमेशा तीन एंगल्स और तीनों एंगल्स का सम प्लस हो गए, यानी वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री। ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको यूज करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। और सबसे पहला स्टेप, ये जो गैमा इस साइड में प्लस हो रहा है इसको दूसरी साइड लाके माइनस कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अच्छा, इसको दूसरी तरफ हम लोग इसीलिए लेके आए, क्वेश्चन से हमें डायरेक्शन मिली, क्वेश्चन में देखें तो साइन के साथ सिर्फ क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन अल्फा और बीटा को हमने इधर ही रहने दिया, गैमा को दूसरी साइड शिफ्ट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा को हमने कंप्लीट कर लिया उसके अकॉर्डिंग, और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या चाहिए, साइन, तो क्या लिखेंगे, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे साइन अप्लाई कर दें, ये वैल्यू बनी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। अब 180 डिग्री, इसको 90 के मल्टीपल की अगर फॉर्म में लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये बना साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 इवन ऑड, इवन इवन, चेंज नो चेंज, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, तो सूरत में नो चेंज, चेंज नहीं करते, इसका मतलब ये तो साइन रहेगा। अब आखिरी चीज रह गई क्वाड्रेंट, जैसे इसका पता चलेगा फिर हम प्लस माइनस डिसाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है, प्लस गैमा हो तो आगे चले जाते, माइनस गैमा तो माइनस गैमा आप वापिस आ गए, आप अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज होती हैं, साइन, ऐसे ही है, तो इसमें भी साइन आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या रहेगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन गैमा लिखें। अब देखें क्या यही प्रूव करना था, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, यही हमें प्रूव करना। हाँ जी, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, इसको भी इसी तरह से स्टार्ट करना है, बिकॉज अल्फा बीटा और गैमा ट्राई एंगल के एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल्स प्लस हो गए किसके इक्वल, 180 डिग्री, इसमें से गैमा को दूसरी साइड ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब लेफ्ट हैंड साइड में इस दफा क्या लिखा हुआ है, कॉस, तो टेक, हाँ जी, कॉस ऑन बोथ साइड्स, हाँ जी बेटा, ये वैल्यू बनी कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस 180 माइनस गैमा। ठीक है, अब 180 डिग्री को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये वैल्यू बनी कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा, 2 इवन ऑड, इवन, चेंज नो चेंज, नो चेंज, कॉस गैमा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा ये होता है जी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी हमने पिछले पार्ट में ये डिसाइड किया, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंट, ना तो ये साइन है ना ही कोसेकेंट है, तो फिर इसके साथ क्या आएगा, माइनस, और हमने प्रूव भी क्या करना था, माइनस कॉस गैमा। कुछ लोगों के पास पुराने एडिशन की बुक होगी, उसमें हो सकता है बुक में मिस्टेक हो, यहाँ पे माइनस ना लगाओ, तो ये माइनस का साइन चेक कर देना, कि लोगों के पास तो मे भी न्यू एडिशन है उसमें साइन ठीक होगा, पुराने एडिशन कुछ बुक्स में माइनस नहीं होगा, तो वो उसे सेट कर देना, यही हमने प्रूव करना था, लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूफ। हाँ जी, पार्ट नंबर फोर, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा, सेम स्ट्रेटेजी, अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पे रहने दे, गैमा को दूसरी साइड लेके आए और उधर आके माइनस, क्या होगा इस दफा, टेक टेन ऑन बोथ साइड, इस दफा
टैन हम बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं, टेक टैन ऑन बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू बनी टैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टैन 180 माइनस गामा। हाँ जी 180, इसको 90 पे डिवाइड करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, टैन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 इवन ऑड, इवन चेंज नो चेंज, तो इसका मतलब टैन गामा रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है भाई? सेकंड, और सेकंड में तो सिर्फ साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, ना तो साइन ना तो प्लस या माइनस, माइनस का साइन आएगा। अब इस दफा हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो क्या भाई? ये जो टेन गामा के साथ इस साइड माइनस है, इस सारी वैल्यू को इस साइड मूव कर दें, ये देखें क्योंकि इज इक्वल टू जीरो प्रूव कर रहे हैं, तो टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा, बाकी सारा यही काम था। हाँ जी क्लियर बेटा जी? एनी क्वेश्चन? जल्दी से इसको नोट डाउन कर। पार्ट नंबर टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू साइन गामा ओवर टू। इसमें डिवाइडेड बाय टू आ रहा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे करने के लिए बचाया था। ठीक है, तो स्टार्ट उसी तरह से कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स प्लस हो गए, किसके इक्वल रहते हैं? 180। गामा को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, दूसरी साइड ला के माइनस कर लें, 180 माइनस गामा। ठीक है, अब एक तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से देखते ही कॉस लगा रहे हैं, लेकिन उससे फिर ये बाय टू कभी नहीं आ सकेगा, तो पहले हमें इसे डिवाइडेड बाय टू करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम कॉस अप्लाई करेंगे। हाँ जी, डिवाइड बाय टू, टू से हम इसे को डिवाइड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, 180 माइनस गामा ओवर टू। ठीक है, इस साइड को बेशक अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसको नेक्स्ट में हमने अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो 180 ओवर टू कटिंग होके कितना आंसर आया? 90 माइनस गामा ओवर टू, अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखें कौन सा फंक्शन है, कॉस। राइट साइड को नहीं देखना, हमने लेफ्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट में कॉस आ रहा है, तो हम लोग कॉस ही अप्लाई करेंगे, तो टेक कॉस ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, ये वैल्यू बनी कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस गामा बाय टू। यहां तक देखें बात क्लियर? 90 को 90 के टेबल में डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 मल्टीप्लाई 90, तो ये वैल्यू बनी कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गामा बाय टू। 1 इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड, तो ऑड नंबर के केस में कॉस को किस में चेंज कर दें? साइन। अब 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस एंगल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में सारे ही क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव होते हैं, यही हमने प्रूव करा। हाँ जी बात क्लियर? जल्दी से नोट करो।